हेलो दोस्तों, मैं हूं शान, किसान के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे बाइफेंथ्रिन 10 EC के बारे में। बाइफेंथ्रिन वही टेक्निकल है जो मच्छर और हरी इल्लियों को एक ही बार में एक साथ खत्म करता है। इसके ऊपर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं, पर वहां पर आपका सवाल था कि क्या बाइफेंथ्रिन सफ़ेद मच्छर और इल्लियों के साथ साथ मकड़ी को भी खत्म करता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको क्लियर कर देता हूं कि बाइफेंथ्रिन क्या काम करेगा और क्या नहीं करेगा। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक देखना और एक लाइक जरूर कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब बटन दबाकर घंटी को भी दबा देना, जिससे आपको खेती से जुड़ी जानकारियां मिलती रहेगी। अब दोस्तों, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं बाइफेंथ्रिन के उपयोग के फायदे की। तो इसको स्प्रे करने का सबसे बड़ा फायदा यही है कि यह अकेली दवाई हर तरह के मक्खी मच्छर के साथ साथ इल्लियों के लार्वा को भी कंट्रोल करता है। हमें दो अलग अलग दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। बाइफेंथ्रिन को हम किसी भी अन्य कीटनाशक के साथ में स्पर्शी कीटनाशक के रूप में क्रॉस कर सकते हैं, ताकि ये कीट को तुरंत खत्म कर सकें। बाइफेंथ्रिन का उपयोग हम सोयाबीन की फसल में, कपास में, गन्ने की फसल में और धान की फसल में स्प्रे के रूप में कर सकते हैं। उपयोग की मात्रा की बात करें तो बताई गई फसलों में बाइफेंथ्रिन को 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है, वो भी कम से कम 150 लीटर पानी के साथ में। हो सके तो साथ में सिलिकॉन बेस चिपको को भी डाल दें, ताकि आपको और भी बेहतर रिजल्ट देखने को मिल सके। दोस्तों, स्प्रे डोज के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। 300 ml प्रति एकड़ का डोज बिल्कुल सही रहेगा। अगर आप इससे भी कम करना चाहते हो तो 250 ml प्रति एकड़ तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि कंपनियों का डोज है 300 से 400 ml प्रति एकड़। इसलिए हम मिनिमम डोज ले रहे हैं, ताकि रिजल्ट मिल सके। बाइफेंथ्रिन से कंट्रोल होने वाले कीट की बात करें तो यह सफ़ेद मक्खी, हरा माहू, दीमक, तना छेदक, पत्ती मोड़क और डोड़े की सुंडी को कंट्रोल करता है। यहाँ पर आपको स्पष्ट बता दूं कि बाइफेंथ्रिन मकड़ी को कंट्रोल नहीं करता है, यह मकड़ी को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं करता है। आप यह सोचकर बिल्कुल भी न डालें कि इससे इल्ली, मच्छर और मकड़ी तीनों खत्म हो जाएंगे। बाइफेंथ्रिन इल्लियों को, मक्खी मच्छर को और दीमक को ही खत्म करता है। अब बात करें इसकी कीमत की, तो ये आपको मार्केट में अलग अलग कंपनियों में अलग अलग कीमत में मिलता है, जो कि 1000 रुपये प्रति लीटर के लगभग में मिल जाता है। अगर आपने पहले से ही इल्लियों सुंडियों की दवाई डाल रखी है और अभी आपको केवल मच्छर की ही दवाई डालना है, तो आप इसे बिल्कुल भी ना खरीदें। इससे बेहतर होगा कि आप कोई और दवाई खरीद लें जो केवल मच्छर को ही कंट्रोल करती हो, क्योंकि वहाँ पर आपका खर्च कम हो जाएगा। लेकिन आपको इल्ली की भी दवाई डालनी है तो फिर यहाँ पर बाइफेंथ्रिन ठीक रहेगा, तो आप इसे बिल्कुल डाल सकते हैं। दोस्तों, जानकारी सही लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस पर अपनी राय कमेंट में लिख दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।